के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का कात्यायनी कुंभ विवाह शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें विवाहित जीवन की बाधाएं, विवाह में देरी, पति पत्नी में अनबन, इस तरह की समस्याओं को नष्ट करने के लिए साधना संपन्न करवाई जा रही है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का जप और हवन होता है। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या UPI से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सरस्वती भैरव की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरस्वती भैरव की साधना क्यों की जाती है, किस तरीके से की जाती है और हमें क्या लाभ मिलता है। भैरव के हजारों स्वरूप हैं। सरस्वती भैरव की अगर हम चर्चा करते हैं तो सरस्वती भैरव के जो उपासक होते हैं उनके पास ज्ञान की कभी भी कमी नहीं रहती। उनके अंदर सीखने की क्षमता हमेशा बढ़ती रहती है। कितनी भी उम्र हो जाए सीखने की क्षमता बढ़ती रहती है। इससे उनकी योग्यता में बल मिलता है और वो अपने क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। लोगों के दिमाग में एक बातें आती हैं कि पढ़ाई के लिए, एजुकेशन्स के लिए माता सरस्वती की साधना करनी चाहिए और धन के लिए लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि जो सरस्वती के उपासक होते हैं उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा तो होती ही है, बिना योग्यता लक्ष्मी कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती। लेकिन जो सरस्वती भैरव के उपासक होते हैं उनके ऊपर सरस्वती की और लक्ष्मी की कृपा होती ही है। उनके पास धन की कभी भी कमी नहीं रहती, ज्ञान की कभी भी कमी नहीं रहती, सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं रहती। उनका देश में, समाज में मान सम्मान बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे लोग लोगों की नज़रों में होते हैं। जो सरस्वती भैरव के उपासक होते हैं समाज में लोग उनको जानते हैं क्योंकि वो एक प्रकार की पब्लिसिटी में रहते हैं, उनका नाम होता है। बहुत से बच्चे हैं, बहुत से लोग हैं जो माता सरस्वती की पूजा करते हैं, बहुत समय लगाते हैं लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिलता। ऐसे लोगों को लाभ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सरस्वती के भैरव की साधना वो नहीं करते, सरस्वती की भैरव की पूजा वो नहीं करते। सरस्वती के जो भैरव हैं उनका नाम है ब्रह्मा जी। जी हाँ, ब्रह्मा जी। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप सरस्वती के उपासक हैं, भगवान ब्रह्मा का नाम आपने नहीं लिया तो आपको सरस्वती साधना में सफलता कभी नहीं मिलेगी। तो याद रखें, सरस्वती की साधना में जो उनके भैरव माने जाते हैं, सरस्वती के भैरव माने जाते हैं, वो भगवान ब्रह्मा जी माने जाते हैं। उनका नाम है सरस्वती भैरव भी कहते हैं उनको और ब्रह्मा जी भी कहते हैं। ये हम बहुत कम लोग जानते हैं। हमने कभी ये जानने की ही कोशिश नहीं की है कि अगर कोई शास्त्र में पति पत्नी माने जाते हैं, हम किसी एक की पूजा करेंगे तो उससे लाभ कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने आधे भाग की पूजा की है। जब तक पति पत्नी दोनों की पूजा आप नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, तब तक एक अस्तित्व की तो पूजा कर ही नहीं सकते। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि पति पत्नी एक होते हैं, दो नहीं होते। इसलिए जब आप माता सरस्वती की पूजा करते हैं तो उनके भैरव ब्रह्मा की पूजा किए बिना सरस्वती साधना तो हमेशा अधूरी रहेगी। आज इसी गोपनीय रहस्य के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप या आपके बच्चे सरस्वती की पूजा करते हैं, सरस्वती का नाम लेते हैं तो उनको ब्रह्मा का नाम भी लेना चाहिए। ब्रह्मा यानी ब्रह्मांड के देवता माने जाते हैं, सृष्टि के रचयिता। तो ये साधना उनके लिए है जो विद्यार्थी हैं, ये साधना उनके लिए है जो ऊंचे पद पर पहुंचना चाहते हैं, ये साधना उनके लिए है जो उच्च अधिकारी बनना चाहते हैं, ये साधना उनके लिए है जो कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में तरक्की पाना चाहते हैं।
अपनी क्षमताओं को विकसित करना चाहते हैं, फिर चाहे आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में हो, किसी भी टेक्निकल क्षेत्र में हो, हर व्यक्ति चाहता है कि हम उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा योग्यता प्राप्त करें। तो ऐसे लोगों को सरस्वती भैरव की साधना करनी ही चाहिए। बिना इनकी साधना के न सरस्वती प्रसन्न होती हैं और न लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं इनका अभ्यास कैसे करते हैं, सरस्वती भैरव का अभ्यास कैसे करते हैं। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने सफ़ेद कपड़ा रखें, उनके ऊपर माता सरस्वती की फोटो रखें। अब ये सुकरी मुद्रा लगाएं, दोनों आँखों के बीच में पिंच करते हुए 10 बार प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करें। इसके बाद ये मुद्रा लगाते हुए सरस्वती भैरव मंत्र, ओम ब्रह्म ब्रह्माय सरोकार सिद्धये ऐं सरस्वते फट, ओम ब्रह्म ब्रह्माय सरोकार सिद्धये ऐं सरस्वते फट, ओम ब्रह्म ब्रह्माय सरोकार सिद्धये ऐं सरस्वते फट, ओम ब्रह्म ब्रह्माय सरोकार सिद्धये ऐं सरस्वते फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, धीमी आवाज में जाप करें। और ये मंत्र जो है इस तरह की मुद्रा लगा के आधा घंटा तक 11 दिन मंत्र का जाप करें, या फिर 11 माला रोज का 11 दिन तक मंत्र का जाप करें। माला से करते हैं तो सफ़ेद हकीक माला से, क्रिस्टल माला से, स्फटिक माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 11 माला 11 दिन, 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। अगर आप माला से मंत्र का जाप करना चाहते हैं, एक हाथ से मुद्रा लगाएं, एक हाथ से मंत्र का जाप करें। अगर बिना माला के मंत्र का जाप करना चाहते हैं, दोनों हाथ से मुद्रा लगाएं, आधे घंटे तक इस मंत्र का जाप करें। 11 दिन 12वें दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि जैसे आपके अंदर बदलाव आ रहा है, आपके अंदर चेंजिंग आ रही है इस तरीके से। तो ये साधना आप अपने लाभ के अनुसार दोबारा, तिबारा, 3 बार, 4 बार, 5 बार कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़े आप कर सकते हैं। इस साधना की खास बात है कि आपको रिजल्ट मिलता ही है। बच्चे हैं उनको 11 बार ये मंत्र का जाप करना चाहिए रोज। 11 बार मंत्र का जाप करने के बाद और फिर अपना स्कूल की पढ़ाई करें, या बड़े लोग भी हैं अपनी स्कूल की तैयारी, UPSC की तैयारी, उच्च कोटि की जो पढ़ाई है उसकी तैयारी करें, लेकिन एक माला या 108 बार या 11 बार कम से कम इस मंत्र का जाप जरूर करें। इस मंत्र को किसी भी बुधवार से या पंचमी से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप जानते हैं इस मंत्र के कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृह सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से जुड़े हैं, या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज़्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद असुन या वज्रुली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। असुनी या वज्रुली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।